प्रतापगढ़ में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप संचालक की हत्या की वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैलाने वाले अपराधी पर जोन स्तर से इनामी राशि की बढ़ोतरी की गई। पहले उस रेंज स्तर से 5,000 का इनाम घोषित था। पुलिस के मुताबिक अतीक अंबेडकर नगर के हंसवर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसके तार अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन खान मुबारक गिरोह से भी जुड़े हैं। फिलहाल वो प्रतापगढ़ से हत्या के मामले में वांछित चल रहा है। वर्ष 2000 में कोतवाली नगर थाना क्षेत्र स्थित सई नदी पुलिस के पास दिनदहाड़े पेट्रोल पंप संचालक सुरेश चंद्र मिश्रा उर्फ लल्ला मिश्रा को गोली मारकर 4 लाख रुपये लूट लिए गए। दौरान इलाज सुरेश की मौत हो गई। विवेचना के दौरान 3 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए, जिनमें से अतीक मुख्य आरोपी था। पुलिस ने बहुत कोशिशें की, लेकिन आज तक वो हाथ नहीं आ सका। 2001 में उस पर रेंज स्तर से 5,000 का इनाम घोषित किया गया था, इसके बावजूद इसे पकड़ा नहीं जा सका। ADG प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश ने बताया कि फरार अतीक के बारे में जानकारी मिली है कि वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की वारदातों में लिप्त हो रहा है। ऐसे में उसकी गिरफ्तारी के लिए 1 लाख का इनाम घोषित किया गया। इसके साथ ही जोन स्तर पर कई टीमें गठित कर उसकी तलाश अभी भी जारी है। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.